हेलो फ्रेंड, कांति किचन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ड्राई फ्रूट चने दाल तड़का की रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चना दाल तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ 200 ग्राम चना दाल लिया है। इसे मैंने प्रेशर कुकर में 2-3 सीटी लगाकर उबाल लिया है। दाल को उबालते समय नमक हल्दी ऐड कर लेना है। मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच चीनी भी ऐड किया है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब एक पैन में 1 चम्मच देसी घी लेंगे। घी जब मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम काजू किशमिश ऐड करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे लगातार चलाते रहना होगा, नहीं तो काजू किशमिश जल सकते हैं। काजू किशमिश हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल अपने खाने में करना चाहिए। काजू किशमिश भून जाने पर उसे निकाल लेंगे। अगेन 1 चम्मच घी लेंगे। जब घी मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम मखाना को रोस्ट कर लेंगे। मखाना को भी लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए हमें रोस्ट करना होगा। साथ ही इसमें थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ा मखाना के अंदर में नमक चला जाएगा। आप चाहें तो बटर में भी मखाना और ड्राई फ्रूट्स को भून सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स और मखाना आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। मखाना भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए इसका इस्तेमाल हमें स्नैक्स के रूप में या फिर खाने में करना चाहिए। मखाना जब रोस्ट हो जाएगा तो उसे भी निकाल लेंगे। अगेन इसी पैन में 2 चम्मच सरसों का तेल लेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे मूंगफली। ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसे भी लगातार चलाते हुए हमें 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। आप चाहें तो बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट तड़का खाने में काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी हेल्दी भी है। मूंगफली जब भून जाए तो इसे निकाल लेंगे। अगेन इसी बचे हुए तेल में 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरा में जब क्रैक्स आने लगे तो इसमें 3 से 4 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसे भी 10 से 12 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम लो रखना है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे। इससे क्या होगा, इसका कच्चापन का स्मेल निकल जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट जब भून जाएगा तब इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और इससे भी 15 से 20 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे उबले हुए चने दाल को, साथ ही इसमें जितने भी भुने हुए ड्राई फ्रूट्स हैं मखाना उसे भी ऐड कर लेंगे और इसे दाल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। जब 3 से 4 मिनट हो जाएगा तब इसमें हम 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी का टेस्ट तड़के में बहुत ही अच्छा आता है, आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। फाइनली तड़का बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच देसी घी। इस तड़के को आप रोटी, राइस या पराठे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा और इसे बनाना भी बहुत आसान है और खाने में काफ़ी टेस्टी है। तो आप देख सकते हैं झटपट बनकर तैयार है ड्राई फ्रूट्स चना दाल तड़का। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ऑल बटन को क्लिक कर ले, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं आपसे मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।